मेड इन चाइना खिलौनों की भारत के बाजारों में भरमार रही है। सस्ते और ट्रेंडी चीनी खिलौनों के आगे न मेड इन अमेरिका टिक रहा है, न मेड इन कोरिया। मेड इन इंडिया को भी चीनी खिलौनों के बीच में ढूंढना पड़ता रहा है, लेकिन बीते 4 महीनों में कोरोना और भारत चीन की तनातनी की वजह से इस स्थिति को बदलने का प्रयास शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर टॉय पार्क की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्टर 33 में 100 एकड़ में टॉय पार्क बनाने जा रही है। ये टॉय पार्क 1,000 करोड़ रुपयों का होगा। 70 खिलौना निर्माताओं ने यमुना अथॉरिटी के इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया है। उन्होंने अलग अलग एरिया के प्लॉट्स के आवंटन का आवेदन किया है। यमुना अथॉरिटी ने 2010 में ही एक टॉय पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब जबकि चीन के साथ नई परिस्थिति बनी है, तो दिल्ली से सटे यमुना एक्सप्रेसवे पर टॉय पार्क की योजना आगे बढ़ती दिख रही है। सेक्टर 33 में तकरीबन 100 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है, जिसमें 50 एकड़ जमीन जो टॉय वालों की एसोसिएशन है पूरे देश की, उसे दी जाएगी, और उसके बाद 50% जमीन को अन्य ओपन लोगों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिससे कि अन्य लोग भी खिलौना उद्योग वहां लगा सकें। वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की पहुंच सिर्फ 0.5% है। भारत का खिलौना बाजार 10 से 12 हजार करोड़ रुपए सालाना का है। इसमें संगठित खिलौना उद्योग सिर्फ 3,500 से 4,500 करोड़ रुपयों का है। इनमें भारत में बने खिलौने सिर्फ 12 से 13% हैं। असंगठित खिलौना उद्योग भारत के बाजार में धमक रखता है, जिसमें 90% खिलौने चीनी हैं। लेकिन यह स्थिति जल्द ही बदल सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। इसके साथ ही सितंबर से गुणवत्ता मानकों के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। भारतीय खिलौना निर्माताओं के पास इससे चीनी खिलौनों का मुकाबला करने की क्षमता आ सकती है। चीन भारत में खिलौनों का कच्चा माल और यहाँ तक कि खिलौनों को बनाने वाले उपकरणों को भी सस्ते में बेचता रहा है। खिलौनों के कई पार्ट्स भी चीन से आते रहे हैं। चीन भारतीय बाजारों में खिलौने बेचने का धंधा करते करते भारत की अखंडता के साथ खेलने के इरादे से उतरा है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत से उसे चुनौती मिलेगी। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।